सोलन में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुखराम चौधरी का सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया, राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुरेश कश्यप और सुखराम चौधरी के स्वागत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता भारी जोश में दिखे, लेकिन जोश जोश में सभी कार्यकर्ता मानो अपना होश खो बैठे थे। सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, ताकि उनकी हाजिरी उनके चहेते अध्यक्ष और मंत्री के समक्ष लग सके। लेकिन वे ये भूल गए कि उनके प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो नियम बताते हैं, उसका अनुसरण सभी ने करना है। लेकिन कार्यकर्ता इतनी जोश में थे कि मास्क उतारकर नारे लगाते रहे। उनके नेता की वजह से हिमाचल में कई कोरोना मामले आए। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी सील हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की शायद नींद नहीं खुली है। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है, उसे वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जिस तरह संगठन को मजबूत किया, वे उस परंपरा को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो नियुक्तियां राजीव बिंदल द्वारा की गई थी, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं और पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में हिमाचल में विजय हासिल कर फिर से एक बार फिर इतिहास बनाएगी और सत्ता में फिर से काबिज होगी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिले है तो मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। ये बात सत्य है कि दायित्व बढ़ता है तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, लेकिन इस दायित्व को मैं अच्छे से निभाऊंगा, ऐसा विश्वास दिलाना। जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात है, मुझसे पूर्व अध्यक्षों ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टी का काम किया, और जो निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, और इस कोरोना काल में भी जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और इससे पूर्व सभी अध्यक्षों ने जिस प्रकार से काम किया, पार्टियां सुदृढ़ हुई है, सशक्त हुई है। इसी का नतीजा है कि 2017 में 44 सीटें हमने जीती, और लोकसभा चुनाव में अभी चारों की चारों सीटें और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। तो एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत पार्टी हमारी हुई है। मुझे इस काम को आगे बढ़ाना है और लक्ष्य 2022 में एक इतिहास बनाना है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार बने, भारतीय जनता पार्टी को सरकार को रिपीट करना है। सर, जैसे कि कल बैठक हुई थी विधायक मंडल की भी हुई थी, उसमें तीन जो विधायक है अनुपस्थित रहे, क्या मानते हैं सर? क्या कल विधायक दल की बैठक थी और उसमें ज्यादातर लोग हमारे सारे विधायक थे, दो तीन लोग अपनी पर्सनल उनके रीजन्स रहे, कमिटमेंट्स पहले की थी और उन्होंने सूचना दी थी और पूर्व सूचना से ही वो लोग नहीं आ पाए थे, बाकी सब लोग बैठक में मौजूद थे। सर, जैसे कि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल हुआ है, नए मंत्री बनाए गए हैं, तो उस तरह क्या जो आपका संगठन है उसमें भी कोई फेरबदल होगा या उसी उसमें आप चलेंगे? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी अभी हमारा संगठन की अभी गठन हुआ है और बहुत अच्छा संगठन मुझसे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी ने बनाया है, उसकी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, प्रक्रिया चली हुई है, और हमारे प्रदेश का जो गठन हो चुका है, मोर्चों का गठन जारी है और उसके नीचे का गठन भी चला हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नया गठन हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज की या बदलने की संभावना नहीं है। जहाँ कहीं छोटा मोटा एडिशन करना है उसको हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का इसमें बदलाव करने की कोई संभावना नहीं है।